हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट जॉब्स में। तो दोस्तों, आज की जो वैकेंसी है ये वैकेंसी आ रही है UCIL की तरफ से, यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से ये वैकेंसी है और बहुत ही अच्छी लेटेस्ट अपडेट निकाली गई है गाइस। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। अगर आप स्टूडेंट इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं तो वीडियो को कंटिन्यू ज़रूर करना, और यहाँ हमारे जो भी कैंडिडेट एलिजिबल नहीं हैं वो कमेंट बॉक्स में अपनी ब्रांच और क्वालिफिकेशन ज़रूर मेंशन कर देंगे, जिससे कि नेक्स्ट आने वाली अपडेट आप सभी की ब्रांच एंड क्वालिफिकेशन से रिलेवेंट आ पाए। तो गाइस, यहाँ पर आप सभी जो कैंडिडेट हैं कौन कौन एलिजिबल है, चलिए हम लोग इसके बारे में जान लेते हैं। इस वैकेंसी के लिए हमारे फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई करेंगे, बिल्कुल फ्रेशर कैंडिडेट। एक्सपीरियंस कैंडिडेट एलिजिबल नहीं है, और जो कैंडिडेट इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं टेलीग्राम से जाकर कर लीजिए, या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है वहाँ से जाकर भी आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। और जो हमारे न्यू कैंडिडेट हैं, न्यू सब्सक्राइबर्स हैं, उनके लिए मैं बता दूँ कि कमेंट बॉक्स में लिंक दी गई है टेलीग्राम की, वहाँ से जाकर आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, जिससे कि आने वाली अपडेट आपको सबसे पहले मिल पाए। और साथ ही टेलीग्राम पर आपके लिए जैसे कि वॉक इन इंटरव्यू होता है किसी भी वैकेंसी का, तो आप लोगों को वहाँ पर नोटिफिकेशन प्रोवाइड कर दिया जाता है। और भी हमारी जो भी वैकेंसी निकल कर आती है, जो हमारी अर्जेंट रिक्वायरमेंट होती है, तो मैं वहाँ पर सेंड कर देती हूँ, जो हमारे कैंडिडेट जाना चाहते हैं वहाँ पर जा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड करेंगे। और इससे पहले मैं आप लोग को बता देती हूँ, इस वैकेंसी के लिए ऑल इंडिया का कैंडिडेट एलिजिबल हैं। अगर आप इंडिया में कहीं से भी हैं सभी अप्लाई कर पाएंगे। बाकी देखिए, यहाँ आप लोगों की फ्रेशर्स की जॉब रहने वाली है और ये एक अप्रेंटिस रहने वाली है। जो कैंडिडेट अप्रेंटिस नहीं किए हैं वही वीडियो को कंटिन्यू करेंगे, और जो कर लिए हैं वो नहीं कर सकते। एक्सपीरियंस तो एलिजिबल नहीं है क्योंकि हमारे जो फ्रेशर कैंडिडेट होते हैं वही अप्रेंटिस कर सकते हैं। ये एक 1 ईयर का प्रोग्राम रखा जाता है जिसके अंदर बताया जाता है कि इंडस्ट्री में वर्क कैसे करना है। साथ ही गाइस, यहाँ हमारे जो भी कैंडिडेट्स हैं तो वो उनको स्टाइपेंड भी दिया जाता है, प्लस सर्टिफिकेट भी दिया जाता है। इसकी मदद से आप लोग जैसे UCIL में गवर्नमेंट वैकेंसी निकलती है अप्रेंटिस वालों के लिए, आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि आप सभी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये गाइस नोटिफिकेशन यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से आ रहा है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटरप्राइजेस। गाइस, ये नोटिफिकेशन अभी जारी किया गया है, 16/11/2022 को ही जारी किया गया है। एडवर्टाइजमेंट नंबर देख सकते हैं, और यहाँ पर आप सभी देखेंगे कि ये वैकेंसी फ्रेशर वालों के लिए है। जो कैंडिडेट हमारे यहाँ पर देखिए, आप लोगों का जो टोटल वैकेंसी है 30 वैकेंसी निकाला गया है, 30 वैकेंसी टोटल रहने वाली है। बाकी यहाँ ब्रांच दी गई है, 1 ईयर की ट्रेड अप्रेंटिस रहने वाली है। और जो हमारे फ्रेशर कैंडिडेट हैं जैसे फिटर, इलेक्ट्रीशियन, साथ ही वेल्डर गैस में है या फिर इलेक्ट्रिक में, टर्नर एंड मैकेनिस्ट, मैकेनिक डीजल, कारपेंटर, प्लम्बर, ये सभी आप लोगों का डिपार्टमेंट है। और इस डिपार्टमेंट में अप्लाई करने के लिए इसी ट्रेड से आपका ITI होना चाहिए, NCVT या फिर SCVT से आप लोगों ने कर रखा है तो आप लोग इसके लिए एलिजिबल हैं। टोटल वैकेंसी 30 दी गई है और अलग अलग ब्रांच के लिए अलग अलग यहां पर डिवाइड कर दिया गया है। बाकी देखिए, आप सभी को रिजर्वेशन देखने के लिए मिलेगा, रिजर्वेशन ऑफ वैकेंसी SC ST वालों के लिए और हैंडीकैप वालों के लिए एलिजिबल। यहाँ पर क्वालिफिकेशन हमारे 10th के बाद अगर आपने ITI किया है NCVT से तो आप लोग अप्लाई करेंगे। एज लिमिट 18 से मिनिमम 18 है, 25 दी गई है। 7/12/2022 के अकॉर्डिंग आपका देखा जाएगा। 5 साल का रिलैक्सेशन SC ST के लिए एंड 3 साल का OBC के लिए दिया गया है। प्रीवियस ट्रेनिंग, जो पहले हमारे ट्रेनिंग कर चुके हैं या फिर एक्सपीरियंस कैंडिडेट हैं वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ओनली फ्रेशर अप्लाई करेंगे। स्टाइपेंड आप लोगों को सैलरी पैकेज, मतलब जो आप लोगों का स्टाइपेंड होता है वो गवर्नमेंट रूल मतलब अप्रेंटिस रूल के अकॉर्डिंग दिया जाएगा। सिलेक्शन प्रोसेस मेरिट बेस पर होगा, जो भी ITI में आप लोगों ने मार्क्स गेन किए हैं उसके आधार पर मेरिट निकाली जाएगी और उसके आधार पर ही सिलेक्शन होगा। अप्लाई करने के लिए ये लिंक दी गई है, लिंक आप लोगों को जो अप्रेंटिस की होती है इस पर आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करना होता है सबसे पहले। इसे हम देखिए, अप्रेंटिस एक अप्रेंटिस की जो भी आप लोगों की लिंक होती है उसकी डिस्क्रिप्शन में मैं आप लोगों को लिंक दे दूंगी,
वहां से जाकर उस पर कर लीजिए लॉगिन। अगर नहीं किया है तो आप लोगों को गाइस पहले वहां पर रजिस्ट्रेशन करना होगा, देन आप लोगों को इस वाले लिंक से जाकर अप्लाई करना होगा। और जो कर चुके हैं उनको दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है, वो कैंडिडेट उसी ईमेल आईडी पासवर्ड को डालकर इस वाले लिंक पे जाकर लॉगिन कीजिए। लॉगिन करने के बाद यहाँ पर इस वैकेंसी का नाम सर्च कीजिए और आप लोग इस पे अप्लाई कर सकते हैं। देखिए कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, वो सभी डॉक्यूमेंट दिए गए हैं। जैसे देखिए आईटीआई का मार्कशीट, कास्ट सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, साथ ही फिजिकल जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट होते हैं हैंडीकैप होते हैं उनका सर्टिफिकेट, फोटो एंड सिग्नेचर, आधार कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड जो भी हमारा बैंक से लिंक है, एंड यहाँ पर आप लोग आधार कार्ड आप लोग लगाएंगे। साथ ही गाइज अगर आप किसी भी एम्प्लॉय के सन है, जैसे UCIL में आपके कोई भी फादर वगैरह एनी अदर पर रिलेटिव्स वर्क करते हैं या फिर फादर वर्क करते हैं तो उनके सन वगैरह है तो आप लोग ज़रूर यहाँ पर बताइए। अप्रेंटिस अपॉर्चुनिटी आप लोगों को देखने के लिए मिलेगी। साथ ही यहाँ आप लोगों की बहुत ही अच्छी रिक्रूटमेंट निकाली गई है। इस वैकेंसी की लास्ट डेट आप लोगों की 7/12/2022 दी गई है। 7 दिसंबर से पहले पहले आप सभी को अप्लाई करना होगा और इससे पहले ही आप सभी को सारा क्राइटेरिया फुलफिल कर देना है। गाइस अप्लाई करने का प्रोसेस मैं बता चुकी हूँ, लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी। और इम्पोर्टेंट डेट की बात करें तो गाइस ये फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं 16 नवंबर से और लास्ट डेट दिया गया है 7 दिसंबर। इससे पहले ही जाकर आप लोग जल्दी से जाकर अप्लाई कीजिए। और इससे पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ, जो हमारे कैंडिडेट ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो उनको पहले रजिस्ट्रेशन करना है अप्रेंटिस साइड पर, जो आईटीआई की साइड होती है उस पर रजिस्ट्रेशन आप लोग करेंगे तो वही ईमेल आईडी डालें जो आपके नाम से बनी हुई है। साथ ही गाइस ईमेल आईडी आप लोग जब भी डालेंगे वहां पर पासवर्ड, जो ईमेल आईडी आपने डाली होगी उसी पर आपका मेल आ जाएगा 24 घंटे बाद, तो वहां पर ईमेल आईडी पासवर्ड मिल जाएगा, उसी को डाल के आप लोगों को लॉगिन करना है। और नेक्स्ट बात ये भी बता देते हैं कि यहाँ अगर आप लोग एक बार रजिस्ट्रेशन कर देते हैं तो दोबारा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि गाइस ये रजिस्ट्रेशन सिर्फ और सिर्फ एक ही बार किया जा सकता है और जो कोई भी मिस्टेक हो जाती है तो एक बार उसे चेकआउट ज़रूर कर लें, जल्दबाजी ना करें, क्योंकि अगर कोई भी मिस्टेक हो जाती है आप लोगों की तो वो सही नहीं हो सकती। यहाँ पर ओनली ऑन एक ही बार रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है, दोबारा नहीं होता है। तो गाइस ये आज की है अपडेट आप सभी की, और आप लोगों को अपडेट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना एंड चैनल बनाए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। साथ ही ये आप लोगों को नोटिफिकेशन मैं आपको डिस्क्रिप्शन एंड टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दूंगी, वहां से जाकर जरूर चेकआउट करें। एडवर्टाइजमेंट नंबर आप लोगों को दिया गया है, बाकी आप लोग लिंक से जाकर डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसके ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में देखने के लिए मिल जाएगी।